सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा रियल एनालिसिस की कौन से बेस्ट बुक होती है उसकी चर्चा मैं करूंगा। मार्केट में तो ऐसे रियल एनालिसिस की काफ़ी बुक अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट के बीच ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से वो बुक खरीदे ताकि उसको अच्छे कंटेंट मिल सके, किस बुक में कौन सा चैप्टर है, किस में अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये सारे कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं सभी का आज कन्फ्यूजन ये दूर करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि कौन से बेस्ट बुक होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथमेटिक्स का ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और जो भी मैं बुक की चर्चा आज करूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उसको परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं या तो फिर अगर मार्केट में अवेलेबल है तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं। मेरे लिस्ट में सबसे पहला बुक है ये एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। ये जो बुक है आप देख रहे हैं ये शांति नारायण और एमडी राय सिंघानिया की बुक है, एशियन कंपनी की बुक है। एशियन कंपनी एक अच्छी कंपनी है, पब्लिशर है, जो अच्छे अच्छे ऑथर को ये हायर किए हुए हैं बुक लिखने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें से काफ़ी एग्जाम्पल हैं और चैप्टर भी लगभग रियल एनालिसिस का सारा इसको इसमें शामिल किया गया है। मैं चैप्टर के बारे में एक बार बता देना चाहूँगा आप सभी को ताकि आप पता कर सके कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर है द रियल नंबर्स, तीसरा है नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ओपन एंड क्लोज सेट, चौथा फोर्थ चैप्टर है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, फिफ्थ चैप्टर है सिक्वेंसेज, सिक्स चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स, सेवन्थ चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, एट चैप्टर है रियल फंक्शंस लिमिट एंड कंटिन्यूटी, नाइन्थ चैप्टर है रियल फंक्शंस द डेरिवेटिव, टेंथ चैप्टर है मीन वैल्यू थ्योरम, इलेवेंथ में है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ट्वेल्थ में है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, थर्टीन में है रीमान इंटीग्रेबिलिटी, फोर्टीन्थ में है द रीमान स्टिल्टजेस इंटीग्रल, फिफ्टींथ में है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सिक्वेंसेज एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, सिक्सटीन्थ में है इम्प्रोपर इंटीग्रल्स, सेवनटीन्थ में है पावर सीरीज, एटीन्थ में है डबल सिक्वेंस एंड सीरीज, नाइनटीन्थ में है मेट्रिक स्पेस और ये लास्ट चैप्टर है नाइनटीन्थ मेट्रिक स्पेस। तो इस बुक में सारे चैप्टर को लगभग रियल एनालिसिस का शामिल किया गया है और ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें काफ़ी एग्जाम्पल वगैरह भी हैं, नेट जेआरएफ के लिए भी एक अच्छी बुक है और आपका आईआईटी जेम के लिए भी एक अच्छी बुक है। डिग्री क्लास अगर बीएससी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बीएससी के लिए भी ये बुक जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। सेकेंड में आता है एक मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस के नाम से ये बुक आती है। ये एससी मलिक और सविता अरोरा की बुक है, इसके राइटर है एससी मलिक और सविता अरोरा। तो ये आप बुक देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स की बुक है ये। तो इस बुक में भी ये रियल एनालिसिस के नाम से तो बुक नहीं आती, मैथमेटिकल एनालिसिस के नाम से बुक आती है, लेकिन रियल एनालिसिस का भी काफ़ी चैप्टर इसमें शामिल किया गया है। मैं एक बार चैप्टर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है रियल नंबर्स, सेकेंड में है ओपन सेट्स क्लोज सेट एंड काउंटेबल सेट्स, थर्ड में है रियल सिक्वेंसेज, फोर्थ में इनफाइनाइट सीरीज, फिफ्थ में है फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, सिक्स्थ में है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल सेकेंड, सेवन्थ में है एप्लीकेशन ऑफ टेलर्स थ्योरम, एट्थ में है फंक्शन, नाइन्थ में है द रीमान इंटीग्रल, टेंथ में है द रीमान स्टिल्टजेस इंटीग्रल, इलेवंथ में इम्प्रोपर इंटीग्रल, ट्वेल्थ में है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, थर्टीन्थ में है पावर सीरीज, फोर्टीन्थ चैप्टर है फूरियर सीरीज, फिफ्टींथ में है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, सिक्सटीन्थ में इम्प्लिसिट फंक्शन, सेवनटीन्थ में इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, एटीन्थ में इंटीग्रेशन ऑन आर क्यू, नाइनटीन्थ में मैट्रिक स्पेसेज और ट्वेंटीथ में है द लेवेस्क्यू इंटीग्रल। तो और भी है, अपेंडिक्स में बीटा एंड गामा फंक्शन लिखा हुआ है, अपेंडिक्स सेकेंड में कंटस थ्योरम ऑफ रियल नंबर्स लिखा हुआ है। तो ये भी बुक जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है एससी मलिक की, ये सेकेंड चॉइस मेरा है एससी मलिक और सविता अरोरा की मैथमेटिकल एनालिसिस। अगर आप दो बुक लेना चाहें तो ये दोनों बुक ले सकते हैं, ये दोनों बुक अच्छी है। उसके बाद थर्ड मेरा
जो चॉइस है वो है रियल एनालिसिस। आप ये देख रहे हैं रियल एनालिसिस से, ये कृष्णा प्रकाशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मिरठ की बुक है, जैन शर्मा और एआर वशिष्ठा इसके राइटर हैं, तो ये भी एक अच्छी बुक है, लेकिन इसमें उतने एग्जाम्पल वगैरह नहीं मिलते हैं, टू द पॉइंट ये बुक लिखा गया है। ग्रेजुएशन लेवल के लिए बुक अच्छी बुक है, जिसमें एक नोट्स तरीके से और अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो ये बुक जो है वो थर्ड चॉइस है। ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट है वो इस बुक को ले सकते हैं। अब इसमें से कौन से चैप्टर हैं मैं आपको बता देना चाहूँगा इसके चैप्टर के बारे में। इसमें चैप्टर जीरो करके लिखा हुआ कंटेंट्स है डिकेंट थ्योरीज ऑफ रियल नंबर्स, चैप्टर वन में है एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी, चैप्टर टू में है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, चैप्टर थ्री में है सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, चैप्टर फोर में है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, चैप्टर फाइव में है ओपन एंड क्लोज सेट ऑफ रियल नंबर्स, चैप्टर सिक्स में है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, सेवन चैप्टर में है डिफरेंशिएबिलिटी, एट चैप्टर में है द रीमान इंटीग्रल, चैप्टर नाइन में है द रीमान स्टिल्ट्जेस इंटीग्रल, चैप्टर टेन में है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, चैप्टर इलेवेंथ में है मैट्रिक स्पेस, ट्वेल्थ चैप्टर में है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, थर्टींथ में है जेकोबियंस, फोर्टींथ में है बीटा एंड गामा फंक्शन, फिफ्टींथ में है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, डिरिचलेट्स थ्योरम, चैप्टर सिक्सटींथ में है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सिक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, और सेवनटींथ लास्ट चैप्टर है ये पावर सीरीज है। तो ये बुक भी एक अच्छी बुक है, ग्रेजुएशन के लिए आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये मेरा थर्ड चॉइस है, पहला और दूसरा चॉइस मैं पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद एक बुक है रियल एनालिसिस से, ये पी एन चटर्जी की बुक है, ये आप देख रहे हैं, ये राइजेंस पब्लिकेशन की बुक है, तो ये बुक भी एक अच्छी बुक है, आप इसको भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये मेरा फोर्थ चॉइस है। इसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं मैं चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर है डेडिकाइंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स, सेकेंड में है बाउंड्स एंड इंटरवल्स, थर्ड में है नेवरहुड एंड लिमिटिंग पॉइंट्स, फोर्थ में ओपन एंड क्लोज सेट इन आर, फिफ्थ में सिक्वेंसेज, सिक्स्थ में इनफाइनाइट सेट, सेवन्थ में कार्डिनल नंबर्स, एट्थ में कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, नाइन्थ में कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड, टेंथ में लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इलेवंथ में डेरिवेटिव्स एंड सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ट्वेल्थ में रीमान इंटीग्रेशन, थर्टीन में रीमान स्टिल्ट्जेस इंटीग्रल। तो ये भी एक बुक एक अच्छी बुक है, लेकिन पहले जो मैं बताया उससे अच्छी बुक ये नहीं है। और उसके बाद मैं एक बुक के बारे में बता रहा हूँ रियल एनालिसिस से, ये लालजी प्रसाद की बुक है पैरामाउंट पब्लिकेशन की, ये भी बुक अच्छी है, झारखंड बिहार में इस बुक को काफ़ी लोग खरीदते हैं, और ये भी बुक एक अच्छी बुक है, इसका एक एडवांस रियल एनालिसिस भी आता है। तो इस बुक में कौन सा चैप्टर है मैं बता दे रहा हूँ, डिकेंट थ्योरी ऑफ रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड में कंटस थ्योरी ऑफ रियल नंबर, थर्ड में रियल नंबर सिस्टम द LUB एंड GLB, फोर्थ में सिक्वेंस एंड देयर लिमिट्स, फिफ्थ में कंटिन्यूटी, सिक्स्थ में डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, सेवन्थ में मीन वैल्यू थ्योरम, एट्थ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, नाइन्थ में रीमान इंटीग्रेशन, टेंथ में फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इलेवंथ में टॉपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें सारे चैप्टर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए एक एडवांस रियल एनालिसिस भी आता है, उसमें और भी चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो ये भी बुक एक अच्छी बुक है, और इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक्स को, और साथ में एग्जांपल भी काफ़ी है, एक्सरसाइज भी काफ़ी है, तो ये बुक भी एक अच्छी बुक है। नेक्स्ट एक बुक है डिग्री लेवल का रियल एनालिसिस, ये दास गुप्ता की बुक है, भारती भवन पब्लिकेशन की बुक है ये, तो ये बुक भी अच्छी है, लेकिन इसमें से बहुत कम चैप्टर हैं। तो ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक अच्छी बुक होता है, जो पार्ट वन या सेम वन वगैरह में, जो सेम वन सेम टू में रियल एनालिसिस होता है उसको कवर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, फर्स्ट चैप्टर लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सेकेंड में रियल सिक्वेंसेज है, थर्ड में कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, फोर्थ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मात्र फोर्थ चैप्टर ही है, यानी कि इसमें सिक्वेंस एंड सीरीज ही मेन दो चैप्टर है, और ये सेम वन वगैरह या सेम टू में अगर रियल एनालिसिस है तो उसको कवर करता है। डिग्री लेवल के लिए एक अच्छी बुक है ये, इसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ। और फिर नेक्स्ट एक बुक है एडवांस मैथमेटिकल एनालिसिस थ्योरी एंड प्रॉब्लम, उत्पल चटर्जी की ये बुक है, आप देख पा रहे हैं इस बुक को, ये एकेडमिक पब्लिशर्स की बुक है कोलकाता की, ये बुक भी एक अच्छी है, नोट्स
टाइप पर लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की गई है, तो ये भी बुक अच्छी है। इसमें कौन कौन से चैप्टर है मैं बता दे रहा हूँ, कॉम्पैक्ट सेट्स एंड कंटिन्यूस फंक्शन एंड कॉम्पैक्ट सेट्स, सेकेंड चैप्टर है मीन वैल्यू थ्योरम ऑन फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, थर्ड में है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस ऑफ टू एंड थ्री वेरिएबल्स, फोर्थ में है फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फाइव में है रीमान इंटीग्रल, सिक्स में इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेवन्थ में है इंटीग्रल एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर, एट चैप्टर है सिक्वेंस ऑफ फंक्शन, नाइन्थ चैप्टर है सीरीज ऑफ फंक्शंस, टेंथ चैप्टर है पावर सीरीज, इलेवंथ चैप्टर है फूरियर सीरीज, और 12 में है रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स, 13 चैप्टर में है मल्टीपल इंटीग्रल, और 14th में है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बाय मल्टीपल इंटीग्रल। तो ये एडवांस मैथमेटिकल एनालिसिस करके है, तो इसमें कैलकुलस का भी कुछ टॉपिक्स है, लेकिन रियल एनालिसिस की भी टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। तो मैं बहुत सारे बुक दिखा दिया हूँ, लेकिन जो मेरा फर्स्ट च्वाइस है और सेकेंड च्वाइस है वो दो ही है, एक एमडी राय सिंघानिया और शांति नारायण की ये जो बुक है, ये बुक जो है वो मेरा फर्स्ट च्वाइस है। इसमें आपको डिग्री लेवल के लिए भी, आईआईटी जेम के लिए भी, नेट जीआरएफ के लिए भी एक अच्छी बुक है। और दूसरी मेरी पसंद वाली बुक है सविता अरोरा की और एससी मलुक की ये बुक मैथमेटिकल एनालिसिस। हालांकि इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस करके ये बुक है, तो कैलकुलस का भी कुछ पोर्शन है और रियल एनालिसिस का पोर्शन भी है। तो आप जो बुक खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन मेरा फर्स्ट टू च्वाइस जो है वो मैं बता दिया हूँ। और थर्ड में अगर कोई ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन के लिए ये भी बुक अच्छी बुक है, ये जीएन शर्मा और एआर वशिष्ठा की बुक है, तो ये भी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएँ, और आप कौन से बुक के बारे में और जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन से बुक अच्छी है जिसको आप खरीद सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।